हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं एंशंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन नंबर 71 से। 70 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आप इसके प्लेलिस्ट में जाके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने एंशंट हिस्ट्री के टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और देखना है कि इन ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो ये दोनों ही आपके जो उत्तर दिए गए हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। लोथल भोगवा नदी के किनारे खम्बात की खाड़ी में स्थित था। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हड़प्पा स्थल सनौली में अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो ये क्या प्राप्त हुए हैं हाल ही में, तो वो हैं मानव समाधान। क्वेश्चन नंबर 73, सिंधु घाटी सभ्यता में पाषाण मूर्तियां बनाने के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। तो वो जो वस्तुएं थी उनमें हैं मुलायम बलुआ पत्थर और सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो ये सभ्यताएं थी मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 75, किसने सिंधु स्थल हड़प्पा के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया। तो ऐसा करने वाले थे सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा में क्या पाए गए थे। तो इन सब में से हड़प्पा में जो पाए गए थे वो थी सिर रहित मानव मूर्तियां। क्वेश्चन नंबर सिर रहित मानव मूर्तियां। बहुअस्तम सिर रहित मानव मूर्तियां, अनाज शालाएं और एक कमरे का बैरक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो इनमें से जो आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 78, कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको चूज करने हैं। तो जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। इसका अर्थ है काली चूड़ियां। इसके प्रमाण, इसके पूर्व हड़प्पा स्थलों से खेत जोते जाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखना है कि इनमें से कौन से कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसके उपयोग में लाते थे। क्वेश्चन नंबर 80, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये इसका सही उत्तर है रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 81, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए किया जाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यवहारिक रूप से उत्तर दक्कन में सभी जोरवे बस्तियाँ अचानक उजड़ गईं। क्वेश्चन नंबर 83, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। और इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्रा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है वैदिक संस्कृति। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।